हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देखो मैं आ चुकी हूँ धूप में, इसलिए मेरा फेस दिख नहीं रहा होगा। और आज है वेनसडे, अंकल नमस्ते। आज है वेनसडे और मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। 10:15 बजे ऑफिस का टाइम 10 बजे था। ऑलरेडी 15 मिनट लेट हूँ, पर जल्दी जल्दी से चलते हैं यार। कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, पता नहीं क्यों। कितना भी कर लो फिर भी लेट हो ही जाता है। एक तो आज मैं सुबह लेट उठी थी ना, फिर हेड वॉश करो तो टाइम लग जाता है। बट कोई नहीं, पहुँच जाऊँगी 10:30 बजे से पहले पहले। और आज ऑफिस में वर्कलोड भी ज़्यादा होगा, जस्ट बिकॉज मैं कल लीव पे हूँ तो काफ़ी सारा काम होगा। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब दिखाती रहूँगी जैसे भी हो। और आज मुझको ऑफिस से आगे बहुत सारा काम है, मेरे को मम्मी का फेशियल वगैरह भी करना है, तो वो भी सब मैं आपको दिखाऊँगी। और फिलहाल तो कुछ नहीं, बस इतना ही। संडे को मेरी फ्रेंड का बर्थडे है तो मैं वहाँ जाऊँगी, उसकी शॉपिंग भी करनी है, बट वो मैं करूँगी कल के बाद। कल क्योंकि कुछ है तो कल मैं बिजी हूँ, उसके बाद मैं सब करूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ लुक मैंने पहनी है, ये ब्लैक जीन्स मतलब जैगिंग, ब्लैक क्या बोलते हैं स्पैगरी टॉप और ये ऑरेंज कलर का शर्ट। बहुत ही प्यारी ड्रेस है, बहुत ही प्यारे लुक है, बाल को खोल रखा है। तो ऑफिस चलते हैं जल्दी से, पहुँच के मैं आपसे मिलती हूँ। और आज मेरा फास्ट भी है तो मैं आपसे मिलती हूँ पहुँचने के बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? काम चल रहा है उसमें, करना तो पड़ेगा। तो भी सुबह आके कितना अच्छा इस टाइम तो हो रहा है। कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा। सो गाइज, अब बज रहे हैं दोपहर के 3:30 और हमारा हो चुका है लंच। आज मेरा फास्ट था तो मैं लाई थी सिर्फ मूंगफली मखाने, तो लंच तो मैंने कर दिया। उसके बाद गए थे मैं अमेरिकन यहाँ शॉप तक, हम कुरकुरे वगैरह लाए, चिप्स वगैरह यहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं, तो मैंने सोचा साथ ही शुक्ले भी ले लेती हूँ। तो पूरा क्या मैं आपको दिखा दूँगी। मैं भरने थी पानी की बॉटल, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है और धूप खुल गई थी बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से पानी की बॉटल भरते हैं, चलते हैं अंदर, फिर मैं आपको दिखाऊँगी मैं क्या काम करने लगी हूँ। फाइनली नाउ आई एम एट होम। मैं घर पर आ चुकी हूँ, गर्मी इतनी हो रही है हद से ज़्यादा। घर पे आने में 7 बज गए। अब है ये मेरा ब्लाउज जो मुझे जाना है टेलर भैया के पास इसे ऑल्ट्रेशन कराने, क्योंकि कल मुझे कहीं जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी से जाती हूँ इसे ऑल्ट्रेशन पे देके आती हूँ। और कल के लिए मैंने ऑफिस से लीव शर्त मना कर दूँगी, कहते हाफ डे में आ जाना। यार हाफ डे में आके कुछ भी नहीं हो पाता मेरी बहुत सारी तैयारी में, तो मैं जल्दी से जाके इसे ऑल्ट्रेशन करा के देके आती हूँ, फिर मुझे वैक्सीन करानी है, तो सारे काम निपटाती हूँ धीरे धीरे करके। गाइज यार एक बात तो बताओ, इतनी गर्मी क्यों हो रही है? मतलब हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है। और देख, आपको दिख रही ग्रीन वाली साड़ी, नीचे रेड भी है, उन दोनों में से एक साड़ी मम्मी कल पहनेंगी फंक्शन में। मोस्ट प्रोबेबली तो ग्रीन वाली पहनेंगी, बाकी रेड वाली पहन सकती हैं। फंक्शन क्या है ये भी आपको बताया, ये पता चलेगा आपको बाद में। और ये कूटे की पकौड़ी, आलू की सब्जी, दही। देखने में तो मुझे ना आलू की सब्ज़ी अच्छी लग रही ना दही, क्या करते हैं क्या नहीं करते, बट खाने उससे पड़ेगा, मजबूरी है। खा लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, तो फेशियल करूँगी, मेहंदी लगाऊंगी, सब दिखाऊंगी। सो गाइस आई एम बैक। यहाँ पे मैंने लगाई मम्मी की ब्लीच, ये वाली ब्लीच है, कौन सी है, ऑक्सी ब्लीच है, प्रोफेशनल अच्छी ब्लीच है वाली। इसको लगा के मैंने उतार दी। अब मैंने लगाई इसके अंदर की वाली पोस्ट ब्लीच, बस इसको रिमूव करने के बाद फिर मैं करूँगी फेशियल। फेशियल के लिए मेरे पास ये वाली ऑर्गेनिक हार्वेस्ट वाली किट है, विटामिन सी, ये ना ऑनलाइन मंगाई थी। वैसे तो हम दूसरे किट यूज़ करते हैं, बट इस वाली ऑनलाइन मंगाई थी, तो हमने सोचा कि उन्हें एक बार इसको यूज़ करके देखते हैं। और उसको हाथ पे लगा लिया, देखिए ज़रा। जब हम फेस की ब्लीच उतारते हैं उसे हाथ पे लगा लेते हैं तो वो सही रहती है, मतलब वो भी असरदार होती है।
तो बस पहले अब पोस्ट भी छटा के फिर फेशियल चालू। सबसे पहले हमने लगा यहाँ पे क्लींजर फेस होने के लिए क्लीन, और उससे करेंगे मसाज जिससे जो भी गंदगी होगी ना वो सारी निकल जाएगी और फेस क्लीन हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे स्क्रब जेल मसाज क्रीम में पैक से। पैक सबसे लास्ट स्टेप होता है। सेकेंड फर्स्ट स्टेप के बाद सेकेंड स्टेप करने वाले हम स्क्रब, इसको लेंगे स्क्रब करेंगे। स्क्रब का क्या काम होता है, स्क्रब करता है जो भी हमारे पोर्स के अंदर गंदगी चली जाती है ना तो उसको निकालने का सारा काम स्क्रब करता है। स्क्रब तो मैं वैसे भी वीक में एक या दो बार करना ही चाहिए, भले मैं नहीं करती बट हमें करना चाहिए। ये रहा देखो मैंने स्क्रब ले लिया इतना, अब इसको अच्छे से मसाज करेंगे पूरे फेस और नेक और बैक को नहीं भूलना चाहिए अदरवाइज वो अच्छा नहीं लगता। सो गाइस मेरे को ना एक्चुअली मम्मी की मेहंदी लगानी जैसे मैं आपको बता रही थी, बट मैं इतनी बड़ी वाली दूसरी स्टूपिड की मेहंदी की कौन लेके जाना मैं भूल गई। तो मैं मम्मी को फेशियल भी इसमें स्टॉप करके स्क्रब करके फेस वॉश करा के मैं आई मेहंदी की कौन लेने, दो मेहंदी की कौन ली एक फ्रूटी ली। अब चलते हैं घर में फिर से अपने फेशियल को कंटिन्यू करते हैं। मेरे चेहरे के कारण इतनी गंदी कैसे हो रही है, कुत्ते से हो रहे हैं भैया से, बट कोई नहीं चलो ठीक कर लेते हैं। आ जाओ मम्मी चलो, ले आई मैं मेहंदी की कौन दो ले आई। मेरे को तो कल वैक्सिंग करानी है तो मैं मम्मी की लगाऊंगी, क्योंकि वैक्सिंग कराने से भी सारी मेहंदी खराब हो जाएगी, फ़ायदा क्या है, समझे, मम्मी की लगा दूंगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट हमने कर लिया सेकंड कर लिया, नाउ अब हम करेंगे थर्ड जेल, जो लगाएंगे। क्या हुआ, हाथ साफ हो गए, दिखाना ज़रा, साफ से तो हो गए, देखो फेस भी साफ सा हो गया थोड़ा थोड़ा सा, पहले तो बहुत फर्क तो पड़ा है थोड़ा थोड़ा। हाँ ऐसे ही करते ये गिरा था सोफे पे, ऐसा दिखाई नहीं दे कैसे काला सा, देखिए हाँ अरे फेस पे भी तो ऐसी काले सोते थे तुम्हारे पे, तुसी को आंटी थी। चलो मम्मी पीछे जाओ, अच्छे से सभी हमें करनी है मसाज, जल ठंडक देने का काम करता है फेस पे। हाँ इसलिए तो बता दीजिए जल्दी चलेगा इसके बाद, तो माँ जी बैठे हैं मसाज करिए इसको दो चार पाँच मिनट। मैं तो सोच रही मंदिर ही आए देखिए, और मसाज करने के बाद फिर हम इसको हटा के फिर हम करेंगे मसाज क्रीम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आई पे ऐसे अच्छे राउंड ऐसे कीजिए, फेस पे इस टाइप से कीजिए, चिन पे, लिप्स पे, नोज पे, फोरहेड पे और फुल फेस इस टाइप से मसाज कीजिए। मस्त चल रहे हैं यहाँ पे क्या करूं? किसका नंबर लिख के दूं? नंबर याद नहीं है। चलो मम्मी फिर मैं इतना बिस्तर बिछा रही फिर मेहंदी लगा देंगे है ना, तू पहले मेहंदी लगा ले, कुछ भी होगा तुझे पहले मेहंदी लगानी होती है। मेरे को तो मेहंदी लगानी नहीं, अब तू मेहंदी लगा पहले। मम्मी बना कर रही थी लौंग डाल के चावल, उसे अच्छा लगे थे नहीं थे एक सोमवार को चावल जरूर बनाए करे थे मीठे चावल। कौन से सोमवार में? सावन में, सावन के सोमवार में मीठे खाने का बहुत है। नहीं बनाए करे थे हमने तो अपने घर को बनते देखे अपने यहाँ बहुत में, हमने तो अपने घर बनते बन देखे अपनी याददाश्त में, हमारा नहीं बनती यहाँ बनती है तो तुम बनाया करो फिर मम्मी, जब यहाँ कोई चटकता नहीं तो बना के किसके लिए करूँ, हमारे तो सुख खावे थे या कोई नहीं खाते। मैं तो आज बावन दुआसी थी ना इसलिए तुझे घर बने होंगे चावल मीठे, वहाँ सभी आए थे मंदिर में सभी। ये तो पीछे मंदिर है जानता हूँ, विष्णु बावन भगवान का है। हाँ आज बावन दुआसी है ना तो उसमें से भंडारा, आज तो सदर वाले मंदिर में भी हुई होगी, बावन भगवान के मंदिर में भी हुई होगी। ये तो शारी लाए थे बिस्किट भी, ऐसे खुला छोड़ के बिस्किट लाए थे, ये चॉकलेट का बिस्किट है अंदर से
हेलो सो गाइस, फाइनली मेहंदी खत्म हो गई। मम्मी दिखाना अपनी मेहंदी, ऐसे करो हाथ क्यों करके, देखो ये रही पूरी। मम्मी पीछे भी करना, पीछे भी, बस एक हाथ पे लगाई दूसरे पे नहीं लगाई। और आज मुझे कोई डिजाइन याद ही नहीं आ रहे थे, पता नहीं क्यों। मेहंदी की ला दो, वो सेब दो, सेब सब दे दो जो भी है। बस आज पता नहीं क्यों मेहंदी का डिजाइन याद ही नहीं आ रहा था, हाथ ही नहीं चला था, बट फिर भी मैंने एक हाथ पे लगा दी। मम्मी वैसे भी एक हाथ पे लगाती है, एक हाथ पे पहले दिन और एक हाथ पे अगले दिन, जैसे तीज हो या करवा चौथ भी होता है ना, तो मम्मी एक हाथ पे एक दिन लगवाती, दूसरे हाथ पे दूसरे दिन, दोनों हाथ पे ना एक साथ नहीं लगवाती, फिर ना खाना वाना देने का झंझट रहता। तो मेहंदी लगा दी एक हाथ पे, मम्मी की मेहंदी भी लगा दी, फेशियल भी कर दिया। बस अब अपना रह गया, सुबह कराऊंगी पहले ब्लीच, फिर आईब्रो बनवा के आएंगे। तो चलो यार, चल के सोते हैं। बिस्तर तो शायद हमने बिछाई लिया, मतलब बेड खोल लिया। लाइट बंद कर दो तुम्हारी, अभी वाली कीप रखी, इससे रात के पूर्वे लगा लेना, जंगले पे रख दिया अपनी कीप, इससे पूर्वे लगा लेना रात को, ठीक है। लाइट बंद कर दो, गेट तो बंद है, कुंडी लगा ली थी, हाँ प्रथम हमने लगा ली। चलो अपनी रात को उड़ वाली चद्दर ले जाती हूँ मैं, क्योंकि ए सी मैंने रात को बहुत ठंड लगती है, नहीं जाती। तूने पंखा नहीं चला रखा आज, ठंड हो तो रही है बट फिर मच्छर नहीं लगते, नहीं भी लगते मच्छर तो, शायद तेरे मजबूरी चलाना पड़ता है। अच्छा चल ठीक है, कूलिंग वैसे अच्छी हो रही है यार, बाहर तो बहुत गर्मी लग रही थी, सारी कूलिंग मेरे ऊपर ही आ रही है। सो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।